हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सरयू। क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे हम। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से निकल कर आए हैं, क्या रोल है, क्यों हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स, वो हमने देख लिया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसी के रिविजन का पार्ट है ये दो क्वेश्चंस, इनको करके देखते हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तो आप वो वीडियो जो है वो देख के ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आसानी से कर सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देख ली है वो इसका आप सॉल्यूशन देखें, एक बार इनको खुद से करने की कोशिश करें। पहला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, और दूसरा है नंबर ऑफ सब शेल्स इन एम शेल। पहला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कौन सा क्वांटम नंबर करता था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी जो है हमने कहा था। एल से रिप्रेजेंट होता है ये, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या था? अंडर रूट एल एम प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, डी ऑर्बिटल दे रखा है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है इसमें। एल की वैल्यू जीरो हो तो एस होता है, वन हो तो पी होता है, टू हो तो डी होता है। डी सब्स्टिट्यूट कर दो, टू टू प्लस वन एच अपॉन टू पाई, दैट विल बी रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब शेल्स इन एम शेल। जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था तो हमने कहा था कि या तो हम उसको n इज इक्वल टू 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर KLMN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूछा गया है नंबर ऑफ सब शेल्स इन m शेल। सब शेल्स इन m शेल, शेल है उसके सब शेल जो है हमने निकालने हैं। किस तरह से निकलेंगे देखो, m शेल है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? n की वैल्यू 1 हो तो k होता है, 2 हो तो l शेल होता है, 3 हो तो m होता है, 4 हो तो n होता है। बस m की वैल्यू क्या है? 3 है मेरे पास, है ना। n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 है। अब सब शेल्स हैं तो सब शेल्स हमें कहां से पता चलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें सब शेल्स पता चलते हैं। और l की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 होती है, दैट इज l, 0 टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो दैट इज 0 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हुए? 3 हुए। कौन कौन से? 3 एस, 3 पी, 3 डी। किस तरह से आए हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि 3 एस 3 पी 3 डी कहां से आए? देखो किस तरह से लिखते हैं हम सब शेल्स। ये 3 आया जो इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 3। एस कहां से आया? एल की वैल्यू 0 है, तो कौन सा होता है हमारे पास सब शेल? एस सब शेल। एल की वैल्यू 1 है, पी सब शेल। एल की वैल्यू 2 है, डी सब शेल। और ये 3 कहां से आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो ये सब शेल 3 एस है, ये 3 पी है, और ये कैसा है? 3 डी है। समझ में आ गई? आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या है? पढ़ेंगे हम s, p और d की, s, p और d। बहुत ही छोटा हो गया, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। s, p और d ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे। शेप देखें उससे पहले ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है इस तरह से, अपने फिक्स्ड शेल एनर्जी शेल्स में, जिसे हम प्रिंसिपल एनर्जी शेल कहते हैं या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। उन शेल्स के भी कुछ सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ, थ्री एस थ्री पी, थ्री थ्री डी, टू एस टू पी, वन एस भी हो सकता है, है ना। शेल्स के क्या है? सब शेल्स हैं। हमने देखा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है, ये सिंपली देख लो वो ऑर्बिटल्स बताता है। ये ऑर्बिटल्स क्या है? सब शेल के भी ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं। उन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रहते हैं, रिसाइड करते हैं। हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता था जिसकी वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल जो है वो होती थी, यानी कि जब मैं एस ऑर्बिटल एस सबशेल देखती थी तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती थी? जीरो, तो एम एल होता था जीरो। तो कितने ऑर्बिटल होते थे?
एक, ये नंबर देखना है, जीरो नहीं देखना है, एक वैल्यू है ना ये वन। जब पी था तो एल की वैल्यू क्या होती थी, वन। तो एम एल क्या होता था मेरे पास, माइनस वन जीरो, प्लस वन तो कितने हैं थ्री। तो थ्री ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट थे। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहते हैं। किस तरह से बनाते हैं हम ऑर्बिटल, एस का इस तरह से बनाते हैं। पी में कितने थे, थ्री थे। डी में एल की वैल्यू क्या होती है, टू। उसमें कितने थे, फाइव। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इस तरह से ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनकी शेप्स देखेंगे कि इनकी शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। ये बॉक्स तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, हम देखेंगे कि इनकी शेप्स क्या होती है। अब शेप्स पढ़े उससे पहले आप एक चीज देखो कि देयर इज अ थिंग दैट वी स्टडीड अबाउट व्हिच वाज नोन एज नोड्स। नोड्स क्या थे, दे वर द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वॉज नेग्लिजिबल, और वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वॉज जीरो। यही पढ़ा था हमने नोड्स। ये नोड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स और एक होते हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है। रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर एज एंगुलर नोड इज द प्लेन। प्लेन पास करते थे ना हम, प्लेन क्या होता है, इस तरह से पास हो रहा है कहीं से, सेंटर से जो है वो पास हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, जिसको डिवाइड करता है इक्वली, इक्वल पार्ट्स में। या तो वो प्लेन है जहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो नोड्स रेडियल नोड्स होते हैं या फिर एंगुलर नोड्स होते हैं। ये रीजन होता है, स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, या ये क्या है, एक प्लेन है। इस तरह से प्लेन जो है हम पास करेंगे, ठीक है। नोड्स क्लियर हो गए, अगर आप लिख रही हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आती है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। एक चीज होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। शेप्स को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, ध्यान से देखेंगे क्या है। देखो मान लो मैंने क्या किया, एक ऐसे करके ब्लॉक लिया और यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दी ऐसे। इस स्ट्रिंग को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक है। और यहां पे नोड्स हैं जीरो। नोड कब बनता है, जब ये स्ट्रिंग सेंटर ऑफ एक्सिस से जो है पास करेगी, इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से इस तरह से जब पास करेगी तो एक नोड बनेगा, ठीक है। मान लो कि यहां से ये पास कर गई, नोड कैसे बनेगा, ऐसे। ये आ गया नोड इज इक्वल टू वन, या फिर ये है हमारी सेकेंड हार्मोनिक। बस देखते जाओ आप, ठीक है। अब एक और नोड मुझे बनाना है तो क्या है, दोबारा से इसको सेंटर से पास करना पड़ेगा जहां पे ये खत्म हुई है। तो एक नोड ऐसे बना, फिर ये ऊपर गई, ये सेकेंड नोड बन गया, और ये ऐसे, ठीक है। नीचे आई तो एक नोड और ये सेकेंड नोड, तो कितने नोड्स आ गए, टू। और ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक है। अब याद करो कि जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ने शुरू किए थे उसके सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो स्कॉडिंजर थे, जब उन्होंने वेव इक्वेशन दी, जो उनके नाम पे पड़ी स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक थ्री डायमेंशनल वेव की तरह ट्रीट किया था। इलेक्ट्रॉन वॉज ट्रीटेड एज अ थ्री डायमेंशनल वेव, यानी कि वो थ्री डायमेंशन, तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड में जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जो सिंपल हार्मोनिक है ये टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, इस तरह से है, कोई नोड नहीं है, एक नोड और फिर ये एक नोड और ये दूसरा नोड है ना, वन एंड टू, एंड दिस इज वन एंड देयर इज नो नोड। जब थ्री डायमेंशंस की बात आती है ना, तो ये जो फर्स्ट हार्मोनिक की वेव है, ये जो फर्स्ट हार्मोनिक की वेव है वो बन जाती है एक स्फेयर, वो एक स्फेयर बन जाती है। यानी कि जब फर्स्ट हार्मोनिक वेव थ्री डायमेंशन में होती है तो वो क्या होती है, एक स्फेयर होती है, लाइक दिस, जिसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, जीरो। नंबर ऑफ नोड्स उतने रहेंगे,
नोड्स कितने हैं? जीरो. ये होता है हमारा एस ऑर्बिटल की शेप, दैट इज अ स्फीयर. समझ आ गई बात? एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है? हमारे पास स्फेरिकल है, एक स्फीयर की तरह प्रेजेंट है ये, ठीक है. अब मुझे इस स्फीयर में, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया. नोड्स आपने देखे किस तरह से नोड्स आते हैं. अब आपने एस ऑर्बिटल की शेप देखी कैसी है. सबसे पहले तो देख लिए नोड्स कितने हैं, जीरो है, और शेप कैसी है स्फेरिकल. एक बार देखती हूं मैं बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं. दिख रहा है, ठीक है, स्फेरिकल है. अब जब मुझे एक स्ट्रिंग से नोड बनाना था तो बड़ा आसान था, मैंने इस तरह से बना दिया. मैं स्फीयर से नोड कैसे बनाऊं? इसमें तो कोई ऐसी सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं है ना, नहीं है सेंटर ऑफ एक्सिस. तो यहां पे नोड बनाने के लिए मैं प्लेन पास करूंगी. आई विल पास अ प्लेन. हाउ? दैट वी विल सी. ये प्लेन ऐसे पास होना है, दिस इज अ स्फीयर. हाउ आई विल पास द प्लेन? दैट इट कट्स दिस बॉल इनटू टू इक्वल हाफ. ऐसे काटना है कि ये इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे. तो या तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ प्लेन पास, तब भी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे कट कर सकती हूँ तो भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे कट करूं ऐसे जेड एक्सिस में, ये जेड है, तो भी जो है ये कैसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, एक्स वाई एंड जेड. ये एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव जेड है, और नेगेटिव जेड कैसे है, इसके पीछे है. नेगेटिव जेड कैसे है, ऐसे है, ये पॉजिटिव जेड है और ये वाली नेगेटिव जेड जो है हमारे पास है, ठीक है. अब प्लेन पास कर दिया, या तो एक्स एक्सिस से प्लेन पास कर रहे हैं, या वाई से कर रहे हैं, या फिर जेड से कर रहे हैं. तो बस पी ऑर्बिटल की शेप तब आती है व्हेन वन नोड इज देयर एंड इट कट्स द स्फीयर इनटू इक्वल हाफ. कैसे कट हो सकता है ये? ऐसे कट हो सकता है, ऐसे कट हो सकता है, या फिर ऐसे कट हो सकता है. ऐसे कट होगा तो कैसी शेप बनेगी? इस तरह से. ऐसे कट होगा तो इस तरह से बनेगी, और ऐसे कट होगा तो ये दो बन रहे हैं ना, ऐसे कट हो रहा है तो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है. तो ये पूरा कैसा है? एक स्फीयर ही है, बस इसको टू इक्वल हाफ में जो है हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है. ये वाई एक्सिस पे बन रहा है तो ये पी वाई है, ये पी एक्स है, और ये ऐसा है पी जेड जो है मेरे पास प्रेजेंट है. पी जेड के दो लोब्स देखो, ये ले लेते हैं हम. दिस इज द फर्स्ट लोब जेड का, दिस इज द सेकेंड लोब. दिस इज एक्स एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव एक्स ले लेते हैं हम. ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, एंड दिस इज पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज नेगेटिव वाई. इस तरह से हमारी पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो निकल के आती है. पी ऑर्बिटल कह रहे हैं, देखो हम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब है पी. एल की वैल्यू कितनी है? वन. तो कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए? थ्री. माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन, यानी कि थ्री आ गए. ये माइनस वन कौन सा होगा, जीरो कौन सा होगा, प्लस वन कौन सा होगा, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक टाइम पे इन तीनों की एनर्जी सेम होती है. इस तरह से बनाते हैं ना हम, पी एक्स पी वाई पी जेड, सेम एनर्जी. तो कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है इतना हम नहीं लेते हैं, ठीक है. ये आ गए हमारे पास पी ऑर्बिटल्स की शेप. अब आता है डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल आएगा जब पी ऑर्बिटल में नोड्स कितने थे, नंबर ऑफ नोड्स वाज वन. डी ऑर्बिटल आता है हमारा थर्ड हार्मोनिक से. दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक. स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ये. फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक, एंड दिस इज द थर्ड हार्मोनिक. तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? टू है. यानी कि नोड्स कौन से ले रहे हैं हम? एंगुलर नोड्स ले रहे हैं. यानी कि मैंने प्लेन पास करना है. दो प्लेन्स कैसे पास करूंगी मैं? या तो मैं एक ऐसे पास कर सकती हूँ और एक ऐसे पास कर सकती हूँ. परपेंडिकुलर है ना, वर्टिकली पास करूंगी और एक हॉरिजॉन्टली पास करूंगी, या दो वर्टिकल भी मैं पास कर सकती हूँ, ठीक है. दो केसेस हैं डी ऑर्बिटल के केस में, कि
या तो इस पेयर को मैं ऐसे और ऐसे कट करूं या फिर मैं इसको ऐसे कट करूं। जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी, मान लो एक एप्पल है, उसको मैंने फोर इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, तो फोर कोन्स जो है वो बनके आएंगे। जस्ट सेकेंड, फोर कोन, ये देखो, वन कोन, टू, थ्री एंड फोर। कैसे हैं ये? वन, टू, थ्री एंड फोर। और ये कैसा है? टोटल ये पूरा एक स्फीयर ही होगा। और ये कैसे होगा? एक ये है, एक ये है कोन, और ये जो सेंटर है ना, ये देखो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, इसकी हम एक रिंग बना देते हैं। इस तरह से होता है ये, ठीक है? ये हमने इसको ज्यादा दिखाना है तो बुक्स में यूजुअली इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, लेकिन असल में ये ऐसे होता है। दो पैरेलल प्लेन्स हमने पास किए हैं। अब जब हम परपेंडिकुलर प्लेन पास कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल है मेरे पास, डी सबशेल है, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एल की वैल्यू डी के लिए होती है टू, और उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं फाइव, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू। देर आर फाइव ऑर्बिटल्स इन द डी सबशेल। तो उन फाइव में से जो फोर होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और जो वन होता है, एक होता है, वो इस तरह का होता है। इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। और इनमें से भी तीन एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है। तीन इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, एक्सिस तीन ही पढ़ रहे हैं ना हम, एक्स वाई जेड, तीन इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और एक ऑन द एक्सिस होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितने ऑर्बिटल्स हो गए? वन ऑर्बिटल, टू ऑर्बिटल, थ्री, फोर एंड फाइव। लेकिन एक टाइम पे बात वही है, एनर्जी इनकी सेम ही होगी, वन, टू, थ्री, फोर। तो दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनको देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, कि ये थ्री जो है ये कैसे है? बिटवीन द एक्सिस है, और ये ऑन द एक्सिस है, और ये तो है ही अलग। डी जेड स्क्वायर जो है, देखो किस तरह से बनेगा, ये पी वाला रिमूव कर देते हैं हम, देखो इन बिटवीन द एक्सिस कह रहा है ना, डी एक्स वाई, एक एक्स है और एक वाई है, इन बिटवीन द एक्सिस क्या हुआ? ये भी तो x और y ही है, नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है, ये भी तो x y प्लेन है और ये भी x y प्लेन है। नेक्स्ट क्या है? डी वाई जेड, तो बस y है और z है, ये नेगेटिव y है, ये नेगेटिव z है, तो ऐसे 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 और इस तरह से आ जाएगा। डी जेड एक्स किस तरह से बनेगा? ये z है, ये x है, चलो इसको z मान लो, x को हम बाय कन्वेंशन यही वाला लेते हैं, ये आ गया। और एक है जो ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है x और y ऐसे, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी जेड एक्स, दिस इज डी वाई जेड एंड दिस इज डी एक्स वाई। ऑल राइट, तो ये थी हमारे ऑर्बिटल्स की शेप। s ऑर्बिटल की शेप कैसी थी? स्फेरिकल, p में दो लोब्स थे और d में फोर लोब्स थे। ये लोब्स जैसे ऐसे होते हैं, दो ऐसे होते हैं, दो पीछे की साइड को होंगे, थ्री डायमेंशनल है ना, ठीक है, समझ आ गई। अब वापस आते हैं दोबारा नोड्स पे। कैसे नोड्स पढ़े? रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स क्या था? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वाज जीरो। अब ध्यान से देखना, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की? अगर आपने वो चीज ऑब्जर्व कर ली होगी, मतलब आपको ये क्वांटम नंबर्स जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया, नहीं पता लग रहा है, तो अब ध्यान से सुनो, अब आपको पता लग जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। जब हम नंबर ऑफ नोड्स लिख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल में नो नोड, पी ऑर्बिटल में वन नोड, वन प्लेन एंड डी ऑर्बिटल में टू नोड्स, तो वो क्या वैल्यूज हैं? वो एस के वो उनके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है उन
सब शेल्स के। देखो एस ऑर्बिटल पढ़ा, उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने थे? जीरो। और एस के लिए एल की क्या वैल्यू होती है? जीरो। पी ऑर्बिटल था, नंबर ऑफ नोड्स थे वन। पी ऑर्बिटल के लिए एल की क्या वैल्यू होती है? वन। डी ऑर्बिटल पढ़ा, नंबर ऑफ नोड्स दो पास किए ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एल की वैल्यू क्या होती है डी के लिए? टू। ये L की वैल्यूज आ रही हैं, ये नोड्स की वैल्यूज आ रही हैं, और ये नोड्स कब बन रहे थे? जब हम प्लेन पास कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल्स के एंगुलर नोड की वैल्यू उनके एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू के बराबर होती है। मतलब हमने नोड्स कौन से पढ़े? रेडियल पढ़े और एंगुलर पढ़े। तो एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है? L की वैल्यू के बराबर होती है। और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस वन। तो S सब शेल के लिए L की वैल्यू तो जीरो होती है, तो क्या आ जाएगा? सिंपल n माइनस वन। जैसे कि 3s है, तो 3s में रेडियल नोड्स कितने होंगे? 3 माइनस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू टू। और एंगुलर नोड्स कितने होंगे S के 3s के लिए? जीरो। एल की क्या वैल्यू है? जीरो। अब मान लो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि 4p में टोटल नोड्स कितने हैं। वो ये नहीं कह रहा है मुझे कि मुझे रेडियल नोड्स बताओ इसके, या मुझे इसके एंगुलर नोड्स बताओ। मुझे क्वेश्चन में सिंपल पूछा हुआ है कि 4p में टोटल नोड्स कितने हैं, भाई मुझे सिर्फ इतना जानना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे? ऐड कर देंगे दोनों नोड्स की वैल्यूज को। रेडियल नोड्स क्या है? रेडियल नोड है n माइनस l माइनस वन, और एंगुलर क्या है? l। बस ऐड कर दो इनको, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल के आते हैं n माइनस वन से। रेडियल नोड्स है n माइनस l माइनस वन, एंगुलर थे l, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने निकाल लिए n माइनस वन से। s ऑर्बिटल के केस में हमारे पास रेडियल नोड्स भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन बाकी केसेस में रेडियल नोड्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे टोटल नोड्स आ रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? 3s के रेडियल नोड्स निकल कर आ रहे हैं ऐसे, लेकिन 3d के मेरे पास रेडियल नोड्स नहीं आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल के आ रहे हैं n माइनस वन से। समझ में आ गई बात? 4p का पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, n माइनस वन, बस कर दो n माइनस वन। 3 होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3p में, 4p में। तो 4p के हम रेडियल नोड्स भी देख लेते हैं और एंगुलर नोड्स भी देख लेते हैं। क्या 3 है टोटल? देखो रेडियल नोड्स कितने होंगे 4p में? दैट इज n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2। और एंगुलर नोड्स L की वैल्यू कितनी है? एंगुलर नोड कैसे निकलते हैं? L की वैल्यू से निकलते हैं। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1। अब तक तो याद होना चाहिए D के लिए होती है 2। तो L की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। समझ में आ गई बात? 4F का पूछा हो तो किस तरह से आएगा? देखो 4F में कितने होने चाहिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स? 3 ही होने चाहिए। इसके रेडियल और एंगुलर निकाल के देखो, रेडियल कैसे निकलेंगे? n माइनस l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, 3 माइनस 1 0। और यहां पे एंगुलर नोड्स किस तरह से निकलेंगे? एंगुलर नोड की वैल्यू होती है जो इसके l की वैल्यू होती है 3। तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से जो है हम नोड्स कैलकुलेट करते हैं। शेप्स देख ली हमने कि किस तरह से स्फेरिकल हैं, दो लोब्स हैं, फोर लोब्स हैं डी ऑर्बिटल के केस पे। एफ की डिस्कस नहीं की क्योंकि 7 शेप्स होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है टू डायमेंशनल इस बोर्ड में ड्रॉ करना। ठीक है, इसके साथ हमारा ये पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी किस तरह से भरी जाती है। वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में तो वो नहीं बनाऊंगी, मैं अलग से उसको अपलोड करूंगी।
आई होप आपको ये समझ आया होगा. अभी जो है आई एम ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको मेरी वीडियो जेन्युइनली जो है वो अच्छी लगती है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.